दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 19 मार्च 2019 मंगलवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 14 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की भर्ती है, महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट और भी योग्यता है जिनसे आप आवेदन कर सकते हो। कुछ भर्तियों के लिए आपको एग्जाम भी नहीं देना होगा, कुछ भर्तियों के लिए आपको आवेदन शुल्क भी जमा नहीं करना होगा। डिटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे कि क्या पोस्ट निकली है, किस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप अपनी मनपसंद जॉब पर आवेदन कर सकते हो। डिटेल्स में पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इस वीडियो को कंप्लीट देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 14 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 14 ऑर्गेनाइजेशन में भर्तियां निकली है। जो फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है जिला परिषद में। पोस्ट है इसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, हेल्थ वर्कर, ड्रग प्रोडक्शन एक्सटेंशन ऑफिसर, लेबोरेटरी इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ग्राम सेवक, सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट ऑफिसर की नंबर ऑफ वैकेंसी 13,521 है। सैलरी 5200 से 20,200 और कुछ पोस्ट के लिए 6,000 रुपये है। क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 38 वर्ष है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो ओपन कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से। इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सभी इंस्ट्रक्शंस आप इसके ऑफिशियल पोर्टल maapariksha.gov.in से रीड कर सकते हो। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन 26 मार्च से कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 26 मार्च को इसके ऑफिशियल पोर्टल पर अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, आप तभी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। बेल की भर्ती है, पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 400 है। सैलरी की वहीं बात की जाए तो 8656, 9892, 11129 अलग अलग ट्रेड वाइज वहां पर नोटिफिकेशन के अंतर्गत दी गई है। योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं ITI और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है। जॉब लोकेशन तिरुचिपल्ली तमिलनाडु है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम और बिना इंटरव्यू के किया जाएगा। मेरिट के आधार पर इसमें आपका सीधा चयन किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है bheltry.co.in। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 मार्च 2019 थी और लास्ट डेट 30 मार्च 2019 है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने की डेट 3 अप्रैल 2019 है। एक्सपेक्टेड सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन टाइम आप देख सकते हो 4 अप्रैल 2019 है। ज्वाइनिंग डेट की बात की जाए तो 11 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग की ये भर्ती है। पोस्ट की वहीं बात की जाए तो आयुर्वेदिक असिस्टेंट और होम्योपैथिक असिस्टेंट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 878 है। सैलरी की बात की जाए तो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, योग्यता 12वीं साइंस के साथ में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 32 वर्ष है। जॉब लोकेशन ओडिशा है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। SC ST कैटेगरी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है OSSC.gov.in। इसी पोर्टल से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में। BECIL की भर्ती है, पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। सैलरी की बात की जाए तो 20,000 से 25,000 और 28,000 से 32,000 अलग अलग पोस्ट के लिए निर्धारित की गई है। योग्यता की बात की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो।
आयु सीमा मैक्सिमम 65 वर्ष है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की वही बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹500 है, एससी एसटी पीएच के लिए ₹250 है, जो कि आप कैश और डिमांड ड्राफ्ट से भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से। अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है BECIL.com। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर 1 अप्रैल 2019 से पहले सेंड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ वर्कर की यहाँ पर पोस्ट है, 580 टोटल खाली पद है। सैलरी भी आप नोटिफिकेशन से ही रीड कर सकते हो, साथ साथ योग्यता भी नोटिस से ही चेक कर सकते हो। मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है। जॉब लोकेशन वडोदरा गुजरात है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की जानकारी भी आप नोटिफिकेशन से ही रीड कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको एग्जाम नहीं देना होगा, इंटरव्यू के माध्यम से आपका इसमें सीधा चयन किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है vmc.gov.in। जहाँ दोस्तों डेट स्टार्टिंग अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 मार्च 2019 है और लास्ट डेट 5 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग की भर्ती है, पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 306 है। सीधी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। डिग्री इन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 35 वर्ष है मैक्सिमम। जॉब लोकेशन गुजरात है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल और ओबीसी कैटेगरी को ₹100 आवेदन शुल्क जमा करना होगा। एससी एसटी ईए सर्विसमैन को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है gpsc.gujarat.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए कल से 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 18 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। जी हाँ दोस्तों, परिवहन निगम में भर्ती निकली है। पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट, सीनियर कंप्यूटिंग ड्राइवर, स्टोर सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 76 है। वही बात सैलरी की जाए तो 7,660, 25,020 और भी पोस्ट के लिए नोटिस से आप चेक कर सकते हो। योग्यता 10वीं 12वीं और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 38 वर्ष है। जॉब लोकेशन महाराष्ट्र है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल या ओबीसी के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है, एससी एसटी के लिए ₹500 है। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है msrtc.maharashtra.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से कल से 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 31 मार्च 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। सेल की भर्ती है, पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की। नंबर ऑफ वैकेंसी 62 है। सैलरी 3600 पर मंथ फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए ₹10,000 पर मंथ ट्रेनिंग के दौरान प्रोवाइड की जाएगी। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं क्लास पास प्लस ITI अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है। जॉब लोकेशन राउरकेला उड़ीसा है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल या ओबीसी या EWS कैटेगरी के लिए ₹150 शुल्क है। एससी एसटी PWD और ESM को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा आपका इसमें रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है sale.co.in और salecarriers.com। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसकी लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 8 अप्रैल 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। पोस्ट है नॉन टीचिंग की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 52 है। सैलरी की बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट, असिस्टेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट की ₹39,100 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जूनियर इंजीनियर, स्टेनो टाइपिस्ट, क्लर्क, नेटवर्क कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 10,300 से 34,800 सैलरी है। एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर, जीप ड्राइवर के लिए 5,910 से 20,200 सैलरी है। ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए 5,200 से 20,200 है। होस्टल बॉय, चौकीदार, बेलदार, मैसेंजर, माली, ग्राउंड मार्कर के लिए यहाँ पर 49,000 से 10,680 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट BSc डिप्लोमा और BBTech अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। जॉब लोकेशन लुधियाना पंजाब है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की वही बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्लांट पैथोलॉजिस्ट, असिस्टेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए
₹500 आवेदन शुल्क आपको जमा करना होगा। जूनियर इंजीनियर नेटवर्क कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एग्रीकल्चर सब इंस्पेक्टर को ₹300 शुल्क जमा करना होगा। क्लर्क स्टेनो और ड्राइवर को ₹200 शुल्क जमा करना होगा। जीप ड्राइवर स्टेनो टाइपिस्ट होस्टल बॉय चौकीदार बेलदार मैसेंजर मालिक ग्राउंड मार्कर को ₹100 आवेदन शुल्क जमा करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के माध्यम से। इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको PAU.edu पोर्टल से डाउनलोड करना होगा और भरने के बाद में ऑफिशियल एड्रेस पर 2 अप्रैल 2019 तक सेंड कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। ड्राइवर ग्रुप सी की भर्ती है। नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। सैलरी 19,900 से 63,200 प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की क्वालिफिकेशन की जानकारी आप नोटिफिकेशन से ही रीड कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 25 ईयर्स है। जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है minds.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप इसका फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो और भरने के बाद में 16 अप्रैल 2019 तक सेंड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है VOC पोर्ट ट्रस्ट में। पोस्ट है इसमें अप्रेंटिस की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 72 है। वही बात सैलरी की जाए तो 6,500 7,350 और बाकी की ट्रेड के लिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। डिग्री या डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जॉब लोकेशन तमिलनाडु है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम पर्सनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से। अप्लाई ऑफलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है vocport.gov.in। जी हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में 15 अप्रैल 2019 तक आप सेंड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में। पोस्ट है इसमें सिविल जज की। नंबर ऑफ वैकेंसी 67 है। सैलरी की वही बात की जाए तो 27,700 से 44,770 है। डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मैक्सिमम 35 वर्ष है। जॉब लोकेशन तेलंगाना है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क जनरल या OBC के लिए ₹500 है। SC ST PWD के लिए ₹250 है। सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग टेस्ट रिटर्न टेस्ट और वाइवा वोस के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है sc.ts.nic.in। जी हाँ दोस्तों, इसी पोर्टल से आप 15 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कंटेनमेंट बोर्ड में। पोस्ट है इसमें जूनियर क्लर्क फॉरेस्ट गार्ड आया सफाई वाला बिस्ती मजदूर आउट JBT टीचर की। नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। सैलरी की वही बात की जाए तो जूनियर क्लर्क आउट JBT टीचर के लिए 5,910 से 20,200 सैलरी है। फॉरेस्ट गार्ड आया सफाई वाला बिस्ती और मजदूर के लिए 4,900 से 10,680 है। 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। जॉब लोकेशन डलहौजी हिमाचल प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क जनरल या OBC के लिए ₹500 है। SC ST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम स्किल टेस्ट और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के माध्यम से। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है cantboardrecruit.org। जी हाँ दोस्तों, सभी इंस्ट्रक्शंस आप इसी पोर्टल से पढ़ सकते हो और अप्लाई ऑनलाइन इस पर 18 मार्च 2019 से हो रहे हैं। आप 11 अप्रैल 2019 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 14 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर में। पोस्ट है इसमें प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप ए फैकल्टी की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 139 है। सैलरी की वहीं बात की जाए तो 1,01,500 से 1,68,900 अलग अलग पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। आयु सीमा मैक्सिमम 58 ईयर्स है। जॉब लोकेशन जोधपुर राजस्थान है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क जनरल या OBC के लिए ₹3,000 है। SC ST के लिए ₹1,000 है। वोमेन और PWD के लिए ₹200 है। सिलेक्शन बिना एग्जाम के इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है aimsjodhpur.edu.in। इसी पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 मार्च 2019 थी और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 अप्रैल 2019 है। तो दोस्तों, ये थी आज की 14 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब भी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
और इस पेज पर पहुंचकर आप यहीं से इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा उसी के साथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आप सिंपली यहीं से इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।